मोदी जी आपकी इबादत में कैसे हो जाऊं फना, आपकी इबादत में कैसे हो जाऊं फना, मैंने मांगी नौकरी आपने दे दिया नमक तेल चना। अपराध करते हैं ना उनको अपराधियों को सजा नहीं मिलती है। अभी क्या आपने केस सुना होगा अतीक अहमद का था, उन्होंने कोई केस करा, उनको कोर्ट ने सजा भी दे दी, उसके बावजूद उनको रात के 11 बजे मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं, वहाँ पर उनका एनकाउंटर हो रहा है, वो भी जय श्री राम का नारे लगा करके। क्या हुआ है, 2 अरब रुपया पहुँचा सरकार के पास, सरकार ने पचा लिया उसका, तो फिर परीक्षा रद्द कर दी। उसमें क्या हुआ बताओ, जनता को लूटा गया ना, अपना इलेक्शन का उन्होंने भरता भर लिया पूरा, कि इलेक्शन को कैसे लड़ना है, हमें कहाँ से लाएंगे खर्चा, वो उन्होंने कर लिया पूरा, जनता को लूटा, जनता जा रही है रोड पे। नाम है भैया आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार है जी। अब के जैसे कि आप जानते हैं चुनाव का आगाज हो चुका है, ज़्यादातर पार्टियाँ अपनी अपनी सीटें भी क्लियर कर चुकी हैं, तो इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सरकार तो जी हम चाहेंगे कि बहन जी की आए, कि वो बहन जी की सरकार में दंगा भी कम थे, लेकिन जो अभी अपराध करते हैं ना उनको अपराधियों को सजा नहीं मिलती है। अभी क्या आपने केस सुना होगा अतीक अहमद का था, उन्होंने कोई केस करा, उनको कोर्ट ने सजा भी दे दी, उसके बावजूद उनको रात के 11 बजे मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं, वहाँ पर उनका एनकाउंटर हो रहा है, वो भी जय श्री राम का नारे लगा करके। जब उनको सजा दे दी तो जिन्होंने अतीक अहमद को मारा उसको क्या हुआ बताओ? नहीं, जैसे कि आप चाह रहे हैं बहन जी की सरकार, अभी फिलहाल में मोदी जी की सरकार चल रही है और लोग गिना रहे हैं उनकी उपलब्धियाँ, कि उन्होंने कार्य भी बहुत किए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कार्य कर रहे हैं? मैं तो मोदी जी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोदी जी आपकी इबादत में कैसे हो जाऊँ फना, आपकी इबादत में कैसे हो जाऊँ फना, मैंने मांगी नौकरी आपने दे दिया नमक तेल चना। बहुत खूब, यानी कि आप नौकरी को लेकर के, क्योंकि युवा हैं, जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए, लगनी भी चाहिए आग नौकरी को लेकर, लेकिन वो बार बार फार्म भी निकालना है, जगह भी निकालना है। जो जगह निकाल रहे हैं, फॉर्म निकाल रहे हैं, उसका होता तो है, पेपर से पहले पेपर लीक हो जाता है, तो इसमें आप 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था यूपी पुलिस का, उसमें क्या हुआ है, 2 अरब रुपया पहुंचा सरकार के पास, सरकार ने पचा लिया उसका, तो फिर परीक्षा रद्द कर दी। उसमें क्या हुआ बताओ, जनता को लूटा गया ना, अपना इलेक्शन का उन्होंने भरता भर लिया पूरा, कि इलेक्शन को कैसे लड़ना है, हमें कहाँ से लाएंगे खर्चा, वो उन्होंने कर लिया पूरा, जनता को लूटा, जनता जा रही है रोडवेज में, किराया वराया सब बर्बाद हुआ उसका, तो जनता का, मैं खुद दे के आया था। जैसे कि अभी कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, क्या यह गठबंधन बीजेपी पे भारी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा भारी, जो इस टाइम जो सामने परिस्थिति आ रही है ना, उसको देख के भारी पड़ेगा, कन्फर्म है।